आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मुरादाबाद शहर के पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने मोहल्ला पीरजादा क्षेत्र की जनता के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को बड़े ही सम्मान के साथ फहराया। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रीय गान सभी ने साथ मिलकर गाया। हाजी यूसुफ अंसारी के साथ पार्षद मोहम्मद इकबाल, तैयब अंसारी, शकील अहमद, शाहिद अहमद, ताहिर खान भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सभी देशवासियों को, खासकर मुरादाबाद की जनता को वो शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी बहुत ही कुर्बानी और बलिदान के बाद नसीब हुई है। इस आज़ादी को हम सबको मिलकर बरकरार रखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और सुपर पावर बनेगा। मैं यूम आज़ादी के इस 75वें मौके पर दिल की गहराइयों से देशवासियों को और ख़ास तौर से मुरादाबाद की जनता को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये आज़ादी हमारे शहीद वतन, हमारे रहनुमा, हमारे उलमा इकराम, हमारे देश के बहुत से शहीद वतनों ने अपनी जान माल निछावर करके हमें आज़ादी दिलाई है। आज का दिन हमें बहुत खुशी के साथ और उनके बताए हुए जो रास्ते हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने और जो हमारे शहीद वतनों ने ये आज़ादी दिलाई है, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, ऐसा करें कि हमारा देश, हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।